आज की वीडियो में मैं रीट और कॉन्स्टेबल एलडीसी इन एग्जाम के जनरल साइंस के लिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के विषय में हम बात करेंगे। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि प्रकाश का परावर्तन एक टॉपिक ऐसा लगता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है या अपवर्तन क्या है। पहली बात ये देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का मुख्य स्रोत अगर कोई है तो वो है सूर्य। मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। वहीं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है और उसके अंदर दो घटनाएं हैं। प्रकाश के अंदर कौन सी घटना है? तो प्रकाश में मुख्य तरह से कितनी घटनाएं हो रही है? दो घटनाएं। पहली घटना होती है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। दूसरी घटना कौन सी होती है? अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या? अब दिमाग में प्रश्न आता है कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का मतलब क्या होता है? तो परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, कौन सी किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन। बात समझना, प्रकाश की किरण आई किसी पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई, क्या बोलेंगे उसे? परावर्तन। है ना, बिल्कुल वैसी घटना जैसे एक दीवार है, दीवार के ऊपर किसी बच्चे ने बॉल को मारा, बॉल आई टकराई और टकराने के बाद में चली। इसके अंदर मेन चीज क्या है हमारे पास में? तो आपतित किरण है, इसे बोलेंगे आपतित किरण, आने वाली किरण, जाने वाली को बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण और दूसरी किरण कौन सी होगी? परावर्तित। ये बीच में क्या होगा? तो ये होगा अभिलंब। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है उसे कहते हैं अभिलंब। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक तो होता है नियमित, दूसरा होता है विसर्जित। कौन सा होता है? विसर्जित। नियमित का मतलब क्या? जब आपतित किरणें, ज्वारीय किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर एक समानांतर आए और समानांतर चली जाए, वो होगी नियमित। समानांतर मतलब इनके मध्य का जो अंतर है वो हमेशा बराबर बना रहे टकराने के बाद भी, उसे क्या बोलेंगे? नियमित। जैसे कि आपका कोई कांच की सतह पड़ी हुई है और उससे प्रकाश की किरण टकरा के चलेगी। विसरित का मतलब क्या होगा? तो विसरित का मतलब होगा कि उबड़ खाबड़ कोई जमीन है, उबड़ खाबड़ पृष्ठ है, उस पर आने वाली किरणें अनियमित रूप से टकरा के चली जाए, इधर टकरा रही एक किरण इधर मुड़ के गई, एक किरण इधर मुड़ के गई, इसे बोलेंगे विसरित। अच्छा, परावर्तन का कार्य कहां पर होता है? तो परावर्तन का कार्य देखते हैं, किस पृष्ठ पर टकरा के परावर्तन होता है? तो जनरली कांच जो शब्द यूज में लाते हैं अपन, वहां पर क्या होगा? परावर्तन। कांच क्या है? दर्पण। हमारी बोलचाल की भाषा में दर्पण को ही हम कांच कहते हैं और कांच को ही हम कांच कहते हैं, लेकिन दर्पण मिरर, दर्पण क्या चीज है? तो एक ऐसा कांच जिसके पृष्ठ भाग पर या पीछे वाले भाग पर क्या कर दिया जाए? चांदी की, है ना, चांदी या सिलिका की, इस तरह से लेप कर दिया जाए कि उसके अंदर क्या हो जाए? चमक उत्पन्न हो जाए और किरणें टकरा के पुनः लौट आए, क्या बोलेंगे उसको? दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, है ना। अगर आप इस तरह से देखते हैं इसमें तो ये होता है उत्तल, और इस तरह का देखते हैं अगर आप, ये होता है अवतल। कैसे याद रहेगा? देखिए ध्यान से, उत्तल मतलब आप लोगों ने चम्मच को देखा होगा बड़े ध्यान से, ये आपके घर के अंदर चम्मच है। चम्मच का वो जो पीछे वाला हिस्सा है, वो होता है उत्तल। उसमें अगर आप अपना मुंह देखेंगे वो है उत्तल, और चम्मच का जो अंदर वाला जो हिस्सा है जिसमें अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपकी नाक चेहरा है मान लो ना किसी इंसान का, तो अंदर की तरफ दिखे ऐसे करके देखें वो हो गया अवतल, और ऐसे देखें क्या हो जाएगा? उत्तल। याद रहेगा, देख उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण को बोलेंगे अपसारी लेंस, दर्पण। कौन सा दर्पण है? अपसारी। इसको अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे? अभिसारी। क्या फर्क है दोनों में? ध्यान देने वाली बात, अपसारी में सारी की सारी किरणें टकराएंगी और दूर जाएंगी, आभासी मिलती हुई प्रतीक होंगी। आभासी का मतलब वास्तव में नहीं मिल रही, आभासी मिलती हुई प्रतीक होंगी। इसमें क्या होगा? जो अपन किरण बनाएंगे, ये दर्पण,
मिलेगी, एक निश्चित बिंदु पर आगे क्या होगी, मिल जाएगी, और जिस बिंदु को मिलेगी वो फोकस होगा आपका। इसमें तो किरणें वास्तव में मिलती है, इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती, ये है अपसरण और ये है अभिसरण, है ना। कैसे याद रखेंगे, अभी की अभी और सारी की सारी किरणें जहां पर मिल जाए उसे बोलते हैं अभिसारी, और अभिसारी क्या होता है, अवतल होता है। अपसारी बिखर जाए उन्हें क्या बोलेंगे, उत्तर दर्पण। बात क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट अगला टॉपिक इसी के अंदर एक भाग आता है, दर्पण पे बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं अवतल दर्पण लेते, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये अवतल दर्पण है। अगर मैं इस अवतल दर्पण को पूरा बनाऊं तो इस तरह से मान लो होगा पूरा, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि घर के अंदर या कहीं काम कर रहा हो तो एक इस तरह की कॉमन भाषा में उसको कहते हैं तगारी, बिल्कुल वही इसको यहां पर मैंने बना के रख दिया, ये देखिए, है ना, ये प्रश्न बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया आपने, अंदर की तरफ चेहरा दिखेगा चम्मच के अंदर की तरफ, तो ये भी कोई ना कोई तो किसी न किसी व्रत का बना हुआ भाग तो है, किसी भोले का बना हुआ भाग तो है, उसका कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र होगा, कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र होगा। तो ये हो गया सी प्रकाशीय केंद्र, और जहां पर प्रकाशीय केंद्र का आधा जो होता है वो होता है एफ फोकस, और यहां पर जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो टकराएंगी और टकराकर इस बिंदु से होकर निकल जाएंगी, टकराकर इस बिंदु से होकर, इसके लिए है अवतल दर्पण। इसकी कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती है, तो इसके अंदर जब वस्तु अनंत पर हो, है ना, जब वस्तु कहां पर हो, तो जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, जब वस्तु एफ पर हो, और जब वस्तु कहां पर हो, एफ और पी के मध्य में, पी क्या है तो ध्रुव, पी क्या है तो ध्रुव। हमारा जो अगला वीडियो आ रहा है वो इस टॉपिक पर ही आएगा, परावर्तन के जो अंश पार्ट टू है वो आएगा, और अगला वीडियो अपवर्तन से आएगा। तो अगला वीडियो आपको जरूर देखना है, जो लोग टेंथ का एग्जाम दे रहे हैं या जो एसएससी में है या जो लोग एलडीसी एग्जाम दे रहे हैं या कांस्टेबल या रीट किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, इन टॉपिक को ध्यान से देखिए। फिर भी किसी भी टॉपिक पर कोई भी समस्या है तो नीचे मेरे स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, इन पर आप जरूर कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।